Now, just a few points which are very disturbing, and I'd like people to really reflect on them, is that we all know that Sufism is really the inner dimension of Islam. It's the spiritual current. It's a mystic discipline. लेकिन एक चीज जो आजकल थोड़ी सी हो रही है कि एक फैशनेबल बहुत चीज हो गई है सूफीज्म तो यू नो इट्स बिकम मोर ऑफ अ फैशन स्टेटमेंट देन अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन और इट देयर इज एन एफर्ट टू डिसोसिएट इस्लाम विद सूफीज्म विच आई फाइंड वेरी डिस्टर्बिंग कि जी अभी कुछ दिन पहले मैंने एक डिबेट देख रही थी वो मैब्यूस में थी शायद वो दरगाह के बारे में कि उन्होंने ख्वातीन को मना कर दिया तो यू नो सम एक्टिविस्ट इवन लाइक मधु किशोर सिंह नो नो सूफीज्म इज गॉट नथिंग टू डू विद इस्लाम आई मीन व्हाई इज दिस नीड टू रिजेक्ट द मोस्ट ब्यूटिफुल एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड सो वी हैव टू इवन पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स हैव टू रिक्लेम दैट यस भाई जिस तरह बुद्धिज्म में आप जैन के बारे में बात नहीं कर सकते बगैर बुद्धिज्म के बारे में बात करते हुए द अद्वैता फिलोसफी यू कांट यू नो टेक इट अवे फ्रॉम हिंदुइज्म हाउ कैन यू टेक सूफीज्म आउट ऑफ इस्लाम एंड द वेस्ट हैज डन दिस विद रूमी एंड यू नो आई मीन यू नो आई फील दैट क्योंकि उसमें दिस इज अ डोर टू एंगेज दिस इज द डोर विच वेलकम्स एवरीबडी क्योंकि मस्जिद में जाके किसी नॉन मुस्लिम की जगह नहीं है क्या करेगा वो जाके नमाज पर तो आती नहीं उसको लेकिन एक तसव्वुफ एक ऐसी दुनिया है सूफिज्म इज यू नो दैट डॉ विच कनेक्ट्स यू टू द आउटसाइडर एंड इनवाइट्स देम यू नो इट्स सो इंक्लूसिव सो वी हैव टू फर्स्ट रिक्लेम दैट यस दिस इज इस्लाम यू नो एंड नॉट यूज इट लाइक सूफी कथक एंड सूफी फूड एंड यू नो सूफिज्म इज वेरी कूल एंड इस्लाम इज लाइक ओ गॉड अ हॉरर स्टोरी You know, I think that, you know, reconnection really must be made because that's what they've done with Rumi. Sara jo ek Islamic discourse hai, wo to nikal liya. It's about, you know, world poetry, world love. It's understood. Most people understand Rumi, not in an Islamic sense at all. And, you know, so that is something that has been, you know, deeply bothering me. And I don't feel apologetic on being a Muslim. I don't feel apologetic about Islam. So I'm very comfortable with the idea of Sufism as classical Islam, which most people reject, you know. So then again, we have to also very concerned with the, you know, with radical narratives really taking over. And while I was working on this book specifically, I feel that, you know, not enough literature has been translated into English. तो हमने एक जगह छोड़ दी है जो एक जहाँ पे रेडिकलिज्म ने जगह ले ली क्योंकि उनके पास फंडिंग आती है बहुत सलफी फंडिंग बहुत है तो अंग्रेज़ी में तो कुछ है ही नहीं तो लोगों को जो बच्चे हैं आज के जेनरेशन के हैं दे डोंट नो व्हाट द हिस्ट्री इज एट ऑल देर इज़ नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस नैरेटिव यू नो इट्स कम्प्लीटली लॉस्ट इट्स हियर इन सेमिनार्स इट्स इन you know with academics but it has to be disseminated into the wider you know readers so that and you know because and ek perception bhi hamara kyunki it's been hijacked with the of by the you know this television and Islamophobia and kuch aisi harkate hain hamari extremists ki ke log samajhte hi nahi ki ye sufi tradition to ek popular tradition hai आज गांव वाले सिर्फ दरगाह जानते हैं और ईद बकरीद जानते हैं जुम्मे की नमाज जानते हैं और कुछ नहीं जानते दिस इज़ द मेन स्ट्रीम इस्लाम एंड दैट मस्ट बी अंडरस्टूड जस्ट बिकॉज द दियोबंदीज आर गेट कॉल्ड टू गिव लेक्चर यू नो ऑन साउंड बाइट्स डजंट मीन दैट इज़ द पॉपुलर इस्लामिक नैरेटिव आई क्विकली कम टू दिल्ली दिल्ली एज वी ऑल नो ऑफ कोर्स इज यू नो दिस ग्रेट सिटी एंड अ ग्रेट सूफी हिस्ट्री वेयर कल्चरल ट्रेडिशंस आर वेरी अलाइव And but again, I want to share some thoughts which really disturbed me. One is के इस किताब के लिए research करने में मैंने आपसे कहा अंग्रेजी में कुछ नहीं मिला मुझे. You have to go back to Sir Sayyid Asrar Sanadid और अखबारुल अखियार of मुहद्दिस देहलवी. You know, तो कुछ है ही नहीं इस बीच. And there has to be efforts to really translate, you know, that kind of literature. Now Delhi also. Being a Delhi wali and very in love with my city, I am horrified when I find people don't really know the history of Delhi at all. Delhi wale Nizamuddin mein rehke mujhse poochte hain dargah kahan hai aur walk ke liye jaati hu. Kehte hain are bhai ye bataye ki rasta kahan se jata hai, kahan hai, kahan hum jana chahte hain. Sunay Jumirat ko qawwali hoti hai. I mean, I'm shocked. There's such a disconnect with
their own history. They don't know the Humayun's tomb is there because of Hazrat Nizamuddin Aulia. Khane Khanan ki jo wo hai ya Ghalib ki hai, they are all there because of the sanctity of that area. I mean, you know, that's why they are there. तो ये पता ही नहीं उनको. चिराग दिल्ली इतना मशहूर इलाका है दिल्ली का, वहाँ पे यू नो लाइसेंस मिलने के लिए जाता है. आप पूछिए क्यों है, किसी को नहीं पता कि रोशन चिराग दिल्ली की वजह से भाई दिल्ली रोशन है. और एक और चीज़ जो मुझे बहुत डिस्टर्ब की वाइल ऑन दिस जर्नी इज दैट आई सॉ दैट देर इज़ अ पैटर्न टू द निगलेक्ट ऑफ मुस्लिम स्पेसिस, मुस्लिम हेरिटेज, मुस्लिम मोन्यूमेंट्स. पर्टिकुलरली महरौली में इतनी डेविस्टेशन है, मज़ार को बिल्कुल रातों रात गायब हो जाते हैं, दुकानें आ जाती हैं. यू नो आई मीन इट्स एंड दिल्ली लाइक यू नो हैज़ बीन अ मेजर मेजर सेंटर. इट्स कॉल्ड बाईस ख्वाजा की चौखट. और यहाँ हर सिलसिले के बुज़ुर्ग यहाँ नुमाइंदगी करनी तकरीबन ज़रूरी थी. महरौली इज इटसेल्फ हैज़ द कादरीज, द चिश्तीज, द सोहरवर्दीज एंड द नक्शबंदीज, सारे आपको सिलसिले दिल्ली में मिलते हैं. सो बट इफ़ यू गो एंड लुक अराउंड यू विल फाइंड द डेसिक्रेशन. आई मीन अगेन नॉट वेरी मैनी पीपल नो दैट महरौली की जो दरगाह थी वो पार्टीशन में, एक्चुअली पार्टीशन से बहुत डैमेज हुआ है क्योंकि हॉस्टिलिटी इतनी थी ना उस वक्त. तो उस वक्त इन्होंने बिल्कुल एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक जो एक तासुब आ गया था लोगों में. अब हेरिटेज का थोड़ा सा अवेयरनेस आ रहा है. उस वक्त बहुत डैमेज हुआ है दिल्ली में. मुझे तो रोना आता था जब मैं जाती थी यू नो. एंड उस वक्त तो कुतुब साहब की दरगाह विच इज़ बीन द फर्स्ट चिश्ती, फर्स्ट सूफ़ी सेंटर इन दिल्ली वॉज क्रिएटेड बाय ख्वाजा बख्तियार काकी. और उनका भी आप देखें अगर आप गौर से तो वहाँ पे काफ़ी डैमेज किया लोगों ने, हथौड़े मार के वहाँ माबिल तोड़ा. एंड पीपल अगेन डोंट नो दिस कंट्रीज ब्यूटिफुल हेरिटेज दैट इट वॉज एक्चुअली महात्मा गांधी हु हैड द हैड इट रिस्टोर्ड एंड ही वेंट एंड अपोलोजाइज्ड टू ख्वाजा कुतुब ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली. और जो आज उनका चारों तरफ जो एक मज़ार के वो एक चांदी का या वो एक बैलुस्ट्रेड लगा हुआ है बिल्कुल मज़ार के, वो गांधी जी ने बनवाया था. फूल वालों की सैर ख़त्म हो गई थी, नेहरू ने खुद उसको दोबारा से रिवायत की थी क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत इंक्लूसिव रिवायत है जहाँ योग माया मंदिर से भी जाते हैं फिर चादर कुतुब साहब पे पेश करते हैं और फूल वालों की सैर होती है, कवालियाँ होती हैं. सो यू नो दीज आर ट्रेडिशंस दैट वी रियली नीड टू रिवाइव, अंडरस्टैंड, ग्लोरीफाई, disseminate this kind of thing. And of course the most important thing is that you know the message like you said of compassion. I mean, what did they say? Hazrat Nizamuddin Aulia said the surest and best way to reach God is really bringing happiness to the human heart. And the Chishti was the dominant, Sufi order which really impacted northern India, its culture, its history, its, you know. And Khwaja Ghareeb Nawaz ne hi iski bunyad Ajmer Sharif mein rakhi aur kya kehke rakhi. Develop sun-like bounty, earth-like hospitality, river-like generosity. So the Sufis had big hearts. And you know we have to just constantly remind ourselves that is the narrative. Choti si ek example bataun ki aajkal log ek ye naya trend kiya hai ki ji Allah khuda hafiz nahi Allah hafiz. Ye hum log itni choti choti cheezon mein phans gaye hain. Kal wo kahenge ji roza nahi som kahiye namaz jane maz nahi kuch sajjada hai jo bhi arabi ka lafz hai. तो ये क्या कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं जो हमारी बिल्कुल सोसाइटी को टेयर अप कर रही हैं. यू नो वी आर इंटायर सिंक्रेटिक कल्चर इज रियली अंडर अटैक बाय सलफी वहावी नैरेटिव्स ऑफ इस्लाम. आई मीन यू नो स्पिरिचुअल इस्लाम इज बीइंग हाईजैक्ड बाय पॉलिटिकल इस्लाम एंड वी कैन नॉट एब्सोल्युटली अलाउ इट. मैं मुसलमानों से कहती हूँ खासतौर से कि भैया ये अल्लाह हाफिज़ क्या है. Hazrat Nizamuddin Aulia was a better Muslim than me, better human being than me. जब हज़रत अमीर खुसरो लिखते हैं खुदा खुद मीर मजलिस बूद के शब जाएँ कम कम बुदम, तो हम कौन होते हैं कि नहीं जी सिर्फ अल्लाह. पूरी फारसी पूरी लिटरेचर में हमारे यू नो जब से फारसी वेन सिंस यू नो सिंस इस्लाम केम टू स्पेशली सेंट्रल एशिया the entire literature and akhlaq bhai is here to bear me out we find is in Persian and in Persian you don't really find the word Allah. It was always referred to as God.
अगेन यू नो जब आप कलमा का ट्रांसलेशन करते हैं तो लोग कहते हैं कि देर इज़ नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद इज इज प्रॉफिट. आई माई सेल्फ हैड यूज दैट इन माई फर्स्ट बुक बट एक्चुअली आई थिंक इट्स अ रॉन्ग ट्रांसलेशन एंड आई एडमिट दैट एंड नाउ आई से देर इज़ नो गॉड बट गॉड बिकॉज अल्लाह इज़ द जेनेरिक यू नो and Muhammad is his messenger. So that is a kind of a very inclusive understanding of Islam, which it is. I mean, Sufism is that aspect which has that vibrancy to include local cultures, to include local traditions. Otherwise, no religion can last so long. It would have been wiped out if it wasn't flexible and if it wasn't for the Sufis. And in India particularly, I mean, you know, the contribution to literature, to music with Hazrat Amir Khusro. I mean, you know, the Chishtis were so committed to music. Khaja Qutub, of course, died in a state of, you know, listening to mystic verse. Kushtagane khanjari taslimera har zaman ghaib jane digar ast. 3 din tak unhone ek, 4 din tak ek sher suna. Hazrat Nizamuddin Aulia ne kaha ki mere janaze ke saath मुझे वो उनके उनके साथ वो शेख अहमद जाम का शायद एक मिसरा समा जो था वो उनके फ्यूनरल प्रोसेशन के साथ गया. तो म्यूज़िक हैज़ बीन ऑलवेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द होल कव्वाली एज़ वी नो इट ऑफ कोर्स कम्स फ्रॉम अमीर खुसरो एंड ही डिड दिस टू प्रोवाइड नॉवल्टी इन द खानकाज ऑफ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया. तो ये और आज भी जो सबसे अच्छे कव्वाल हैं वो कव्वाल बच्चों के घराने से ही अपना लीनियज ड्रॉ करते हैं. जो कव्वाल बच्चे हज़रत अमीर खुसरो ने जो खानका में रहते थे और उनको ट्रेन किया था. खानकाज वर आल्सो एरियाज ऑफ ग्रेट लर्निंग यू नो एंड ग्रेट सोशल सर्विस एंड दैट आई फाइंड अगेन यू नो नाउ दे आर रियली. अब तो सब बैठे हुए हैं और तिजारत हो रही है लेकिन एक जो एक चीज वी लॉस्ट दैट यू नो वेयर देयर वर सेंटर्स ऑफ ग्रेट लर्निंग एंड ग्रेट वेलफेयर सेंटर्स एंड दिस इज सिंस आई बीन टोल्ड टू रैप अप आई रियली डोंट नो आई जस्ट वांट टू यू नो जस्ट से बेसिकली आई थिंक व्हाट इज रियली रियली इम्पॉर्टेंट इज टू कॉन्स्टेंटली रिमेंबर. एक चीज़ और कहूँगी मैं जब मैं ये एक और चीज़ जो मुझे डिस्टर्ब कि कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है. ज़ियाउद्दीन बरनी जैसे जो इतने बड़े स्कॉलर्स हैं अब उन्होंने कुछ एक तख्ती लगाई है. सो वी डोंट नो वी आर लूजिंग दैट बिकॉज ये ओरल ट्रेडिशन से चल रहा था बट देर इज़ नो एफर्ट इधर फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम द केयरटेकर्स और फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी और फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी to really mark these graves so that our history is really recorded. So and the you know what I really think is that we have to really revisit them, the Sufi legacy, and disseminate their message. And the essential message, she said, is that is of compassion. We have to become actors of compassion, activators of compassion, and messengers of compassion. And that is the only way that we can honor the memory of the Sufis, whether it be of Delhi or anywhere else in the world. Thank you. Shelley didn't know about it, so I picked it up. And if any of you know, this is a HarperCollins publication which came out, I think, a year ago. उससे पहले मेरी एक किताब Sufism, Heart of Islam है, जो Harper records the history of the Delhi, the historical, cultural, and literary context. See, that's a different, I don't know, this is the right forum for a debate on whether Allah or Khuda or anything. बॉलीवुड से बुले शाह कहाँ पहुँचा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही. मैं कौन सब लोग जान गए एक गाने में आने से. I mean, it's not all negative. What is your opinion? No, I'm very happy. Sufism becoming fashionable is because of the Sufi lyrics and the poets and the music. I'm not absolutely debating that. I'm very happy that young people are once again revisiting these the Sufi poetry through Bollywood, through young music groups, Mikal Hasan, and yahan pe Kailash Kher. That's all wonderful. My only problem is that there seems to be, even though they visited, they kind of don't visit Islam. You know, they see a disconnect.
So that, I don't know where that disconnect is coming, and that bothers me. You know, they don't see it as a, as you know, as a message of Islam. They see it as a message of Sufis, which is something very, very, very different and very far away, removed from the Sharia, removed from classical Islam. Whereas for me, that is classical Islam.